हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट जॉब्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में निकली हैं ड्राइवर के लिए बम्पर भर्तियां। अगर आप भी करना चाहते हैं ड्राइवर की भर्ती के लिए आवेदन, तो इस वीडियो में हम इस पोस्ट के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ड्राइवर यानी कि शोफर, ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि शोफर को ही ड्राइवर बोला जाता है या चालक हिंदी में बोला जाता है। तो इसमें किस तरीके से होगा सिलेक्शन, क्या है इसके सिलेक्शन का प्रोसेस और सिलेबस क्या-क्या है, और दोस्तों इसमें सैलरी कितनी होगी, किस तरीके से इसमें चयन प्रक्रिया होती है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, वो है 5 सितंबर 2019। जैसा आप जानते हैं, आज जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज है 17 अगस्त 2019। इसके लिए जो योग्यता चाहिए दोस्तों, वो चाहिए सिर्फ 10वीं पास। अगर आप 12वीं पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो मैंडेटरी योग्यता है वो 10वीं पास की ज़रूरत होगी। 18 साल से उम्र के ले 18 साल से लेकर 27 साल तक के उम्र का कोई भी व्यक्ति या कोई भी लड़का इसमें आवेदन कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में और भी डिटेल में सारी चीज़ें। इससे पहले दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल एग्जाम पॉइंट जॉब्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके की जो काम की खबरें हैं, जो काम की जानकारियां हैं, वो हम आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, मैं इसके जॉब के क्राइटेरिया के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस अभी करूँगा। उससे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके नोटिफिकेशन पर, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर कर देते हैं क्लिक, और दोस्तों ये आप जैसा देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। इस नोटिफिकेशन में दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर किस पोस्ट के लिए है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है और 5th लेवल का पे मैट्रिक्स के अंडर आती है। शोफर यानी कि ड्राइवर की ये पोस्ट है। और इसके साथ साथ दोस्तों, इसमें अगर हम इसके ओवरऑल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 35 हैं। सही है, इसमें से 13 जो वैकेंसीज हैं वो OBC के लिए हैं, AWS के लिए 9 हैं, जनरल के लिए सिर्फ 1 है, और SC ST के लिए 6 6 हैं, और एक्स सर्विस मैन के लिए 8 हैं। तो टोटल पोस्ट जो हैं इसमें 35 हैं। अब इसकी अगर हम बात करें दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सिर्फ मैट्रिक लेवल पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा, प्लस एक मैंडेटरी इसमें कंडीशन है, वो ये है कि आपके पास में LMV होना चाहिए। LMV मतलब लाइट मोटर व्हीकल का 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना ज़रूरी है। सही है, तो इसके बारे में और भी थोड़ी सी जानकारी दोस्तों जान लेते हैं। इसमें जो लिस्ट लगेगी वो आपकी मैट्रिक लेवल पर ही लगेगी। सही है, इसके और थोड़ी सी डिटेल अगर देखें दोस्तों, तो नीचे इसमें एज लिमिट जो मैंने अभी आपको बताई है, 18 साल से लेकर 27 साल तक की इसमें एज लिमिट दी गई है। और इसके साथ साथ दोस्तों, और अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके मोड ऑफ सिलेक्शन। हमें इसका मोड ऑफ सिलेक्शन एक बार चेक कर लेना है। मोड ऑफ सिलेक्शन दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बताया है, इसमें एलिजिबिलिटी कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अपीयर फॉर, इसमें 3 तरीके से दोस्तों चयन होगा। पहला इसमें जो होगा वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, पहला जो OMR यानी के ऑब्जेक्टिव बेस्ड टाइप होगा, दूसरा जो होगा वो स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपको ड्राइविंग की, आपकी ड्राइविंग की स्किल टेस्ट होगी, और जो तीसरा होगा दोस्तों, उसमें लिया जाएगा आपका इंटरव्यू, और उसके बाद में फाइनली आपका सिलेक्शन इसमें तय होगा। 3 स्टेज होंगी इसमें अलग अलग। जो पहली स्टेज है दोस्तों, अगर हम उसके बारे में डिस्कस करें, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, उस पहली स्टेज में होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, और वो होगा दोस्तों 50 नंबर का एक क्वेश्चन, उसमें 50 नंबर के क्वेश्चंस उसमें आएंगे, 50 क्वेश्चंस, तो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन के लिए दोस्तों 2 मार्क एलोकेट किए गए हैं, और 25% की इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के सारे सवालों का जो है वो जवाब देना है। सही है फ्रेंड्स, अब इसमें हम देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल मार्क्स 100 होंगे। सही है, और 50 मार्क्स आउट ऑफ 50 आपको इसमें से लाने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको कितने मार्क्स लाने हैं, कम से कम 50 मार्क्स आपको लेके आने हैं, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। वहीं अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करें, SC ST OBC की, तो उनको 45 मिनिमम मार्क्स लाने हैं, यानी कि 45% मार्क्स लाने हैं। सही है, और इसके नीचे अगर हम दोस्तों चेक करें, जो स्टेज 2 है, स्टेज 2 में क्या है फ्रेंड्स,
स्टेज टू में दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर होगा आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में सबसे पहले आपको ड्राइविंग स्किल टेस्ट जो सिमुलेटर होता है उसके लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। सिमुलेटर मतलब जो एक किसी की निगरानी में रहकर दोस्तों ये आपको टेस्ट देना होता है, अपना स्किल टेस्ट देना होगा ड्राइविंग का। उसके बाद में आपका जो 50 मार्क का होगा दोस्तों वो होगा ड्राइविंग स्किल टेस्ट ऑन रोड। सही है, ये तो दोस्तों एक ये समझ लीजिए आपको कि जैसे जब हम ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं तब भी हमें अपने ड्राइविंग स्किल का टेस्ट देना होता है, तो ये वो है। और ये है दोस्तों दूसरा टेस्ट होगा इसमें 50 मार्क्स का, जो आपको रोड पर गाड़ी चलाकर दिखानी होगी। सही है, इसमें हर एक के लिए दोस्तों हर एक कैटेगरी के लिए क्या है सिस्टम, इसमें भी 50% मार्क्स आपको कम से कम ऑब्टेन करने हैं, यानी कि पाने हैं, यानी कि 25 मार्क्स आपके आने चाहिए तभी आप किस में आएंगे दोस्तों, मेरिट लिस्ट में आएंगे। सही है, और अगर नीचे और थोड़ा सा हम देखते हैं इसमें जो थर्ड इसका स्टेज है, थर्ड स्टेज में 20 मार्क्स का होगा दोस्तों इसमें इंटरव्यू, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 20 मार्क के इंटरव्यू होने के बाद में, और जो SC ST अगर रिजर्व कैटेगरी से को बिलोंग करता है तो उसको 18 मार्क्स उसमें लेके आने हैं या 18 मार्क्स का उसका इंटरव्यू होगा। सही है, इन तीनों स्टेज से गुजरने के बाद में फाइनली जो है आपका सिलेक्शन होगा 40 मार्क्स का दोस्तों इंटरव्यू होगा, जिसमें SC ST के लिए मात्र 18% मार्क्स लाने जरूरी हैं और वहीं जनरल कैटेगरी के लिए 20 मार्क्स लाने जरूरी हैं। तो ये है इसके दोस्तों सारी नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन, एग्जामिनेशन फी और इन सारी चीज़ों के बारे में मैं अभी आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं A to Z इन्फॉर्मेशन जो अभी मैंने दोस्तों आपको बताया है, EWS के लिए 9, SC के लिए 6, इस तरीके से यहाँ पर सारी सीट्स हैं। क्लास 10th पास्ट विद LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए और 2 साल का कम से कम आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए ये व्हीकल चलाने का, और 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फॉर जनरल OBC EWS के लिए 400 रुपये इसमें फ़ीस है दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए इसमें 200 फीस रखी गई है। सही है, इसकी ओपनिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन भी 14 अगस्त को स्टार्ट हो गए हैं और जो क्लोजिंग डेट है इसकी 5 सितंबर है, और फीस सबमिशन की भी 5 सितंबर ही लास्ट डेट होगी। जैसे ही दोस्तों इसका एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं तो तुरंत हम आपको इसमें नोटिफिकेशन के जरिए बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें दोस्तों, ताकि आप इसी तरीके की जानकारियों से अवगत रह सकें। अब दोस्तों चलते हैं इसमें आवेदन कैसे करना है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आपको अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर तो आपको सबसे पहले करना है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फ्रेंड्स आपको इस तरीके से एक पेज दिखाई देगा, यहाँ पर आकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है ऑलरेडी तो फिर आपको सीधा क्या करना है, साइन इन करना है। सही है, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें, पासवर्ड डालें और यहाँ पर सबमिट कर दें तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। नहीं तो जैसे ही दोस्तों रजिस्ट्रेशन के बाद में आप लॉगिन करेंगे उसके बाद में आप ऑनलाइन इसका आवेदन कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसके सारे लिंक्स दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं, आप वहां पर क्लिक करके इसकी A to Z इन्फॉर्मेशन के बारे में रीड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन है इस पोस्ट के बारे में। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक भी जरूर दें। धन्यवाद।